नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। संसद इस हफ्ते में आपका स्वागत है। हम विस्तार से दोनों सदनों में हुए इस हफ्ते के कामकाज पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। मिला जुला रहा संसद में इस हफ्ते का कामकाज। असम में एनआरसी के मुद्दे पर राज्यसभा में गतिरोध से कार्रवाई रही बाधित, तो लोकसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी। राज्यसभा में अवरोध के बावजूद शून्यकाल और प्रश्नकाल में कई अहम सवाल जवाब। बुधवार को 15 में से 7 तारांकित प्रश्न पूछे गए। गुरुवार को बना रिकॉर्ड। पहली बार राज्यसभा सांसद ने संभाला प्रश्नकाल का कामकाज। सभापति की पहल पर कहकशां परवीन ने किया संचालन। लोकसभा में इस हफ्ते शानदार कामकाज। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक, आपराधिक कानून संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, वाणिज्यिक विवादों के जल्द निपटारे से जुड़े विधेयक समेत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक भी पेश। लोकसभा में असम में एनआरसी, रोहिंग्या, अवैध प्रवासी, किसानों को राहत समेत कई अहम मुद्दे उठे। डोकलाम विवाद और डेटा प्रोटेक्शन के मुद्दे पर भी सरकार का जवाब। राज्यसभा में एनआरसी के मसले पर हफ्ते भर सदन में गतिरोध जारी रहा। सभापति ने इसे महत्वपूर्ण मसला मानते हुए अपने कार्यकाल में पहली बार प्रश्नकाल स्थगित कर चर्चा की अनुमति भी दी। चर्चा हुई भी, लेकिन अवरोध के चलते चर्चा में भी बाधा रही और इस तरह अवरोध के चलते पूरे हफ्ते सदन में एक भी बिल पास नहीं हो पाया। हफ्ते के पहले ही दिन टीएमसी सांसदों ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने साफ किया कि वो चर्चा करवाने को तैयार हैं और इसके लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह को सदन में बुला लिया गया, लेकिन अवरोध के चलते पहले दिन चर्चा नहीं हो पाई और कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। मंगलवार को सभापति ने अपने कार्यकाल में पहली बार प्रश्नकाल की कार्रवाई स्थगित कर एनआरसी के मसले पर चर्चा की अनुमति दी। चर्चा की शुरुआत करते हुए नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि एनआरसी के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसको मानवाधिकार का विषय मानकर लेना चाहिए, न कि किसी धर्म और जाति के लिए, और न इसी किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसे अपनी राजनीति और वोट के लिए ये किसी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से जो सरकार है, वहां की सरकार है और यहां की सरकार है, इसे राजनीति का मुद्दा और वोट की मशीन न बनाएं, बल्कि मानवाधिकार के विषय समझकर इसमें निर्णय और न्याय दें। धन्यवाद। वहीं टीएमसी ने एनआरसी के मसौदे को पूरी तरह से वापस लेने की मांग की। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के विश्वजीत देमारी ने एनआरसी को लेकर विपक्ष की आशंकाओं को गलत बताया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल इस मामले में राजनीति कर रहे हैं। पूरी सभा ये नहीं बोलते चाहे जे राष्ट्र संघे मानवाधिकार संक्रांत जे कन्वेंशन जेखाने भारतवर्ष स्वाक्षर करेछे सेटाके पर्यंत उल्लंघन करा हयेछे। তাই আমাদের নেত্রী আজকে ডাক দিয়েছেন মমতা ব্যানার্জি যে এটাকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। জিতনা ভি ভারতীয় হ্যায় এনআরসি মে সবকা ভি নাম আপডেট হুয়া হ্যায়। জো ভি আপডেট নেই হুয়া, শাদি হোকে কিসি নে বাদ মে জাকে জো উনকা ডিটেলস মাঙ্গা ও দূসরি স্টেট সে টাইম পে উনকা রিপোর্ট নেহি গিয়া হ্যায়, ইসলিয়ে উনকো অভি রুখা গিয়া হ্যায়। থ্যাঙ্ক ইউ। অর অলরেডি ঘোষণা কিয়া হ্যায় হামারে জয়েন্টস কিয়া হ্যায় নন ইসকে ইনসার্টস ज्वाइंट सेक्रेटरी होम वो भी मौजूद थे। ये 40,07,707 के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। बीजेपी सांसद अमित शाह ने भी चर्चा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अगस्त 1985 में असम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए थे। अमित शाह ने कहा कि समझौते की आत्मा ही एनआरसी थी। अकॉर्ड में कहा गया अवैध घुसपैठियों को पहचान कर उनको हमारे सिटीजन रजिस्टर से अलग करके आई नो व्हाट टू डू। अब अपना काम करिए। सिटीजन रजिस्टर बनाया जाएगा। वार्ड एंड वार्ड का काम करने की जरूरत है। जो ले रहे हैं इनिशिएटिव ले रहे हैं आपके ही प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने लिया हुआ इनिशिएटिव। इसको अमल करने की हिम्मत नहीं थी, हम में हिम्मत है, इसलिए हमें करने के लिए निकले। अमित शाह के भाषण के दौरान सदन में विपक्षी दलों के नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस और टीएमसी के सांसद आसन के करीब आ गए।
से एंड यू डोंट अलाउ अदर टू इट मे बी अनपैलेटेबल टू यू बट एवरी मेंबर हैज गॉट अ राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यू। सभापति की बार बार की अपील के बावजूद अवरोध जारी रहा और सभापति ने सदन की कार्रवाई पहले दोपहर 10 मिनट और बाद में दिन भर के लिए स्थगित कर दी। बुधवार को सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्रवाई बाधित करने पर नाराजगी जताई। हालांकि उन्होंने किसी सदस्य का नाम नहीं लिया, लेकिन सभी सदस्यों से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की और उम्मीद जताई कि ऐसा आगे नहीं होगा। Menacingly rushed towards the well of the house. I thought something is going to happen to my secretariat, and then some people started raising slogans also. It's totally unacceptable. लेकिन शून्यकाल में पत्र और रिपोर्ट रखे जाने के बाद ही कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने एनआरसी के मुद्दे पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अमित शाह की पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर की गई टिप्पणी को कार्रवाई से बाहर करने की मांग की। सभापति ने इस मसले पर पुरानी पद्धति के तहत रिकॉर्ड देखने का भरोसा जताया। इसके बाद सभापति ने बीजेपी सांसद अमित शाह को अपना अधूरा भाषण पूरा करने को कहा। इस पर कांग्रेस सांसदों ने सीट पर खड़े होकर विरोध करना शुरू कर दिया। अवरोध के चलते कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। बुधवार को ही प्रश्नकाल की शुरुआत में सभापति ने जानकारी दी कि सदन में दोपहर 2 बजे एनआरसी के मुद्दे पर बीजेपी सांसद अमित शाह अपने भाषण को पूरा करेंगे और इसके बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह चर्चा का जवाब देंगे। लंच के बाद सभापति की अनुमति के बाद जैसे ही बीजेपी सांसद अमित शाह अपना भाषण पूरा करने के लिए खड़े हुए, टीएमसी सांसद आसन के करीब आकर नारेबाजी करने लगे। अवरोध के बीच बीजेपी सांसद अमित शाह ने कहा कि अगर उनके नहीं बोलने से मामला शांत हो जाता है तो वो अपना भाषण नहीं देंगे। इसके बाद सभापति ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को चर्चा का जवाब देने को कहा। सभापति की अपील के बावजूद टीएमसी के सांसद अपनी सीटों पर नहीं गए। इस बीच राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर सभापति की इजाजत हो तो वो अपना जवाब सदन पटल पर रख देंगे, लेकिन अवरोध नहीं थमा और कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। गुरुवार को शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चलने के बाद उम्मीद थी कि भोजनावकाश के बाद प्रस्तावित खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि संकट पर अल्पकालिक चर्चा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये लगातार चौथा दिन था जब राज्यसभा में अवरोध की वजह से कोई विधेयक भी पारित नहीं हो पाया। सभापति ने लगातार अवरोध पर नाराजगी जाहिर की। Views on an important and sensitive issue, he could not reply. Why all these things, I don't want to get into that now. But as session has come, then I suggested to the Parliament Affairs Minister, he should talk to the remaining opposition parties and also to the Home Minister, and if they are agreeing, I am ready to revise my decision. That is the situation. एनसीपी सांसद शरद पवार और नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस मसले पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह का जवाब होना चाहिए क्योंकि एक संवेदनशील मसला है। Party member should be given time. If there's any member of parliament from that state, that should be heard and honorable home minister should reply. We have no objection on this subject. This is a farmer's issue. Everybody would like to participate. Let this message not go. Right. That we are against, sir. Right. No, I want to make it clear. Right. Let this message not go that we are against the farmers and we are not wanting to discussion. आजाद जी की बात से सहमत हूँ। दो दिन गृह मंत्री जी आए, वो बोल नहीं पाए, मैं उनके कारणों में नहीं जाना चाहता। अमित शाह जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, मैं कारण में नहीं जाना चाहता। पर ये बात ठीक है कि कुछ मेंबर्स को क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो गृह मंत्री जी को हम कहेंगे कि वो जब ले करेंगे तो आपके जो क्लेरिफिकेशन होंगे उनके ऊपर वो जवाब देंगे। हम इस बात से सहमत हैं। लेकिन टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन नियम 267 पर चर्चा की मांग पर अड़े रहे और कार्रवाई एक बार फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को जाकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने असम के लिए एनआरसी के मसौदे पर चर्चा के 3 दिन बाद जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने एनआरसी की पृष्ठभूमि बताने के साथ ही विपक्षी सदस्यों की आशंकाओं को दूर किया। उन्होंने कहा कि एनआरसी तैयार करने का काम 1985 में असम समझौते के तहत हुआ था। उस वक्त राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये अभी मसौदा है और अंतिम सूची आना बाकी है। उन्होंने भरोसा दिया कि मसौदे में शामिल नहीं किए गए हर शख्स को अपने दावों को साबित करने का मौका दिया जाएगा। एनआरसी के पहले सभी को लीगल प्रोविजंस के अनुसार क्लेम्स
एंड ऑब्जेक्शंस यह भी फाइल करने का पूरा अवसर मिलेगा। इसके अलावा फाइनल एनआरसी के पश्चात भी सभी संबंधित व्यक्तियों को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास भी जाने का पूरा अवसर रहेगा। किसी के विरुद्ध कोई भी कोएर्सिव एक्शन नहीं होगा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के जवाब के बाद एनआरसी मुद्दे पर सदन में अलग अलग दलों के सांसदों ने अपनी चिंताओं से गृहमंत्री को अवगत कराया। सांसदों ने कुछ बिंदुओं पर गृहमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग भी की। सभापति ने गृहमंत्री से अपील की कि संबंधित सांसदों के पास लिखित जवाब भेज दिए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस हफ्ते राज्यसभा के एजेंडे में कई महत्वपूर्ण विधेयक शामिल थे। सरकार की कोशिश तीन तलाक से जुड़े विधेयक के अलावा मोटरयान संशोधन विधेयक पारित कराने की भी थी, लेकिन अवरोध के चलते बिलों पर कोई कामकाज नहीं हो पाया। लेकिन अवरोध के बावजूद शून्यकाल और प्रश्नकाल में कुछ महत्वपूर्ण कामकाज हुआ। आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। पिछले हफ्ते शानदार कामकाज के बाद इस हफ्ते की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सोमवार को राज्यसभा में हफ्ते के पहले ही दिन एनआरसी पर अवरोध के चलते प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्रवाई नहीं हो पाई। मंगलवार को भी शून्यकाल में गतिरोध रहा, जबकि प्रश्नकाल में एनआरसी के मुद्दे पर चर्चा हुई। लेकिन बुधवार को प्रश्नकाल के लिहाज से कामकाज शानदार रहा। राज्यसभा में इस दौरान मौखिक जवाब के लिए सूचीबद्ध 15 तारांकित प्रश्नों में से 12 पूछे गए। इस पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों को बधाई दी। ये दूसरा मौका था जब इतने सवालों का मौखिक जवाब दिया गया है। इससे पहले पिछले शीतकालीन सत्र में 2 जनवरी 2018 को सभी 15 तारांकित प्रश्नों का जवाब दिया गया था। प्रश्नकाल के दौरान उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना पर सवाल का जवाब देते हुए नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने जानकारी दी कि देश में हवाई सेवा के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार हर विकल्प पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के दूसरे चरण के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है। जो हमने कठिनाइयां पाई वो दो चीज, एक तो उड़ान के जो एयरपोर्ट है वो रेडी करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, वहाँ नहीं हो पाई, उसके स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत हो रही है। दूसरी जगह में जहाँ हवाई सेवा शुरू की गई थी, लेकिन जैसे कि डेक्कन एयरवेज, उन्होंने अपनी सेवा खंडित कर दी, तो उसको पुनर्सुधार करने के लिए भी हम उसके ऊपर काम करें। और मैं प्रश्नकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कन्वर दीप सिंह ने प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल को जीएसटी के दायरे में लाने से जुड़ा सवाल पूछा। जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस पर अंतिम फैसला जीएसटी परिषद को करना है। हालांकि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और उद्योग जगत पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में है। आज इंचार्ज ऑफ पेट्रोलियम सेक्टर आवर इंडस्ट्रीज ऑफ दिस ओपिनियन व्हाटएवर द जीएसटी काउंसिल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन हैज डिसाइडेड टू पुट ऑल द पेट्रोलियम प्रोडक्ट विद इन द जीएसटी एम्बिट वी स्टैंड बाय दैट। But in our structure, GST Council is an autonomous and very important august body created by the enactment of Parliament. गुरुवार को ही राज्यसभा में प्रश्नकाल की कार्रवाई भी सुचारू तरीके से चली। इस दौरान एक रिकॉर्ड भी बना। पहली बार राज्यसभा सांसद के तौर पर निर्वाचित किसी सदस्य ने प्रश्नकाल के दौरान सभा का संचालन किया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने प्रश्नकाल की कार्रवाई के दौरान उपसभापति के पैनल में शामिल कहकशां परवीन को पीठासीन होने का मौका दिया। इसके बाद कहकशां परवीन ने पूरे प्रश्नकाल के दौरान कार्रवाई का संचालन किया। प्रश्नकाल के दौरान मौखिक जवाब के लिए सूचीबद्ध 15 तारांकित प्रश्नों में से 7 पूछे गए। सभापति ने बाद में प्रश्नकाल की कार्रवाई को पूरे विश्वास के साथ संचालित करने के लिए कहकशां परवीन की तारीफ भी की। मैं आज थोड़ा एक नया प्रयोग करने के लिए सोच रहा हूं। मैं आप लोगों का सबका मदद चाहता हूं। आज क्वेश्चन आवर में मैं हूं, मगर मैं यहां पैनल चेयरमैन मैडम कहकशां जी को बिठाना चाहता हूं। आप लोग थोड़ा सहयोग करिए। कहकशां माने गैलेक्सी, तो उसको समझ के मदद करना चाहिए। गुरुवार को ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने उत्कृष्ट सांसदों के पुरस्कार से सम्मानित नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद और डॉक्टर नजमा हिप्तुल्ला समेत सभी की सराहना की। कार्रवाई शुरू होने के बाद सभापति ने इन सांसदों को बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को संसद के केंद्रीय कक्ष समारोह में 5 दिग्गजों को उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया था। नजमा हिप्तुल्ला को 2013, हुक्मदेव नारायण यादव को 2014, गुलाम नबी आजाद को 2015, दिनेश त्रिवेदी को 2016 और भर्तृहरि मेहताब को 2017 के लिए उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से नवाजा गया। द रिच एक्सपीरियंस ऑफ श्री गुलाम नबी आजाद इन पब्लिक लाइफ एंड एज लेजिस्लेटर एंड मिनिस्टर including that of parliamentary affairs lends weight to his present role in this august house as a leader of the opposition. Sri Ajad as a leader of the opposition has been a great source of support to me in resolving many difficult situations. Neta vipaksh ke roop mein jis tarah se
मैंने उनको देखा है कि बड़े सौम्य तरीके से और समय पर और अपनी बात को प्रभावी रूप से रखने में कम बोलते हैं पर प्रभावी रूप से बोलते हैं। शुक्रवार को ही संसद में बढ़ते अवरोध, बैठकों के घटते दिन और सांसदों की गैर हाजिरी जैसे मुद्दों को लेकर राज्यसभा में बेहद सार्थक चर्चा देखने को मिली। ये चर्चा दरअसल सांसद नरेश गुजराल की ओर से लाए गए गैर सरकारी विधेयक संसद उत्पादकता में वृद्धि विधेयक 2017 पर हुई। विधेयक में प्रावधान है कि संसद की कार्रवाई को न्यूनतम निर्धारित दिनों तक चलाने को बाध्यकारी बनाया जाए। इसके साथ ही मौजूदा 3 सत्रों के अलावा विशेष सत्र का भी प्रावधान हो। चर्चा के दौरान ये भी मांग उठी कि सदन की कार्रवाई के लिए न्यूनतम दिनों की संख्या 120 दिन निर्धारित की जाए। इफ पार्लियामेंट सेशन और पार्लियामेंट प्रोसीडिंग आर डिसरप्टेड देन ऑटोमेटिकली द नंबर ऑफ आवर्स दैट आर लॉस्ट इन डिसरप्शन दैट शुड गेट एडेड टू द सेशन। चर्चा के दौरान सभी सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया। इसके अलावा अवरोध के खिलाफ कड़े प्रावधान किए जाने की मांग भी उठी। इस विधेयक पर हालांकि चर्चा पूरी नहीं हो पाई। शुक्रवार को सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्रवाई के सुचारू संचालन के लिए सभी सदस्यों से सहयोग की अपील की। सभापति ने कहा कि मानसून सत्र के बचे हिस्से में करीब 30 विधेयक लंबित हैं जिनका देश हित में पारित होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस हफ्ते लोकसभा में कामकाज शानदार रहा। इस दौरान कई अहम बिल लोकसभा में पारित हुए जिनमें होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2018, आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 और राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2018 शामिल हैं। इसके अलावा वाणिज्यिक विवादों के जल्द निपटारे के लिए बने विधेयक को भी लोकसभा से पारित किया गया। साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले 123वें संविधान संशोधन विधेयक को भी लोकसभा से 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया गया। लोकसभा ने सोमवार 30 जुलाई को होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की जगह बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रावधान है। इससे होम्योपैथी शिक्षा में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। चर्चा का जवाब देते हुए आयुष मंत्री श्रीपाद नायक ने बताया कि होम्योपैथी संस्थानों में अनियमितता को खत्म करने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि आयुष चिकित्सा पद्धतियों के लिए भी सरकार जल्द ही एक व्यापक विधेयक लाएगी। होम्योपैथी के सेंट्रल काउंसिल के बारे में जो बिल था मैंने वो क्लियर कर दिया है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जो बिल है उसके बारे में उसको प्रोसीड करने हम निश्चित तौर से आगे जाएंगे और होम्योपैथी को सक्षम करने के लिए ये रूल से और अच्छी तरह से चलने के लिए आयुष मंत्रालय हर रोज अपने प्रयास जारी रखेंगे। इससे पहले चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने अपनी बात रखी। होम्योपैथिक में भी जो MBBS के बराबर सब्जेक्ट होते हैं उसी के बराबर सब्जेक्ट्स होते हैं। एनाटॉमी से लेजे फिजियोलॉजी गाइनी ऑफ PSM प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन सर्जरी सब चीजें ENT ऑप्थमो गाइनी सब सब्जेक्ट्स होते हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को तोड़ मरोड़ के सारे देश के अंदर हड़ताल हो रही है लेकिन नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल लेके आएंगे और इन्हीं होम्योपैथ और वैद्य को वहां पर डॉक्टर बना करके भेज देंगे। इसके साथ ही 30 जुलाई को ही लोकसभा ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 को भी मंजूरी दे दी। इसमें बलात्कार से जुड़े मामलों में सख्ती का प्रावधान किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप के दोषियों को मौत की सजा देने का प्रावधान। So when the whole country, the sentiment of the country is that government must take stringent steps to ensure that the punishment to the crimes of such a heinous nature has to be very very stringent, very strong, and the government must rise to the occasion. वही मंगलवार 31 जुलाई को लोकसभा में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक को पारित किया गया। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्योगों को जो दिक्कत आ रही थी उन्हें दूर किया गया है। बिल में प्रावधान है कि MSME क्षेत्रों के रेजोल्यूशन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों पर NPA और गारंटरों से संबंधित मानदंड लागू नहीं होंगे। साथ ही संहिता के प्रावधानों को MSME पर लागू करते समय सरकार उसमें बदलाव कर सकती है या फिर उन्हें हटा सकती है। उन्होंने कहा कि पहले NPA के रेजोल्यूशन में 9% खर्च आता था जबकि IBC में यह खर्च घटकर 1% से भी कम हो गया है। IBC के तहत जो अभी तक केस हुए हैं उसमें जो कॉस्ट आया वो लेस देन 1% कॉस्ट और रिकवरी अगर एवरेज करें कुछ केसेस में तो 100% रिकवरी, कुछ केसेस में पूरा प्रिंसिपल आया
आगे चल के रिकॉम्पेंस के लिए इक्विटी हमारे पास है, पर ओवरऑल भी 55% से ज्यादा रिकवरी अभी तक के आईबीसी केसेस में हुई है। इसके पहले चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने हिस्सा लिया और अपनी बात रखी। कांग्रेस समेत कई दलों ने विधेयक को समिति के पास भेजने की मांग की। द गवर्नमेंट हैज नॉट अप्लाइड इट्स माइंड इन डेप्थ रिगार्डिंग द वेरियस प्रोविजंस ऑफ दिस बिल, दैट इज द इंडिकेशन। माय रिक्वेस्ट टू दिस हाउस थ्रू द ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर इज दैट यू नो काइंडली कॉन्स्टिट्यूट रेफर दिस बिल टू द स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस। इसी हफ्ते 1 अगस्त यानी बुधवार को वाणिज्यिक विवादों के जल्द निपटारे के लिए बना विधेयक भी लोकसभा में पारित किया गया। वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाव और वाणिज्यिक अपील प्रभाव संशोधन विधेयक 2018 को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक कदम बताया। विधेयक को 3 मई को लागू हुए अध्यादेश के स्थान पर लाया गया। This is one step. Tomorrow or day after, I am coming with arbitration law. Also the New Delhi Center of Arbitration, because all these things are designed to make India a good hub of domestic arbitration and international arbitration for resolution of dispute. So this is a whole package this government is going. विधेयक के मुताबिक वाणिज्यिक विवादों पर न्यायिक फैसले लेने के लिए उच्च न्यायालय में कमर्शियल डिविजन्स और जिला स्तर पर कमर्शियल अदालतों की स्थापना की जाएगी। विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने अपने विचार रखे। Since there is no urgency in issuing this ordinance of this nature, I oppose the ordinance promulgation and I support the bill subject to the reservations and apprehensions which I have already made. To fulfillment of the objects and decisions of the central government should come up with sufficient financial support to the state government. इसके साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला 123वां संविधान संशोधन विधेयक 2 अगस्त को लोकसभा से 2/3 से अधिक बहुमत से पारित हो गया। लोकसभा ने राज्यसभा से हुए संशोधनों को हटाते हुए बिल को मंजूरी दी। इससे पहले चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने बताया कि इससे ओबीसी वर्ग का सशक्तिकरण होगा, वहीं आयोग की शक्तियां भी बढ़ेंगी। ये विधेयक पिछले साल 10 अप्रैल को लोकसभा से पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा ने इसे कुछ संशोधनों के साथ 31 जुलाई 2017 को पारित किया और 1 अगस्त 2017 को लोकसभा को लौटा दिया था। अब ये विधेयक अत्यधिक सक्षम और संवैधानिक दायरे में आ रहा है और इसको संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद ये आयोग सशक्त होगा और इनकी समस्याओं का समाधान आयोग के माध्यम से होने लगेगा। लोकसभा ने 3 अगस्त को राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी। विधेयक में मणिपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला पूर्ण विकसित राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। फिलहाल देश में फिजिकल एजुकेशन से जुड़े विद्यालय और विश्वविद्यालय तो हैं, लेकिन ये विश्वविद्यालय अपने आप में पहला विश्वविद्यालय होगा। यहाँ खेलों से जुड़ी रिसर्च और ट्रेनिंग समेत कई अहम विभाग होंगे। अपने आप में स्पोर्ट्स का जो पूरा एनवायरनमेंट है उपाध्यक्ष जी, पूरे 2019 तक $80 बिलियन की ये इंडस्ट्री होगी पूरे विश्व के अंदर, आर्थिक रूप से भी और व्यक्ति निर्माण से और एक्सीलेंस से। हमें इस धारा में जुड़ना है और हर चीज जहां विकास होता है, प्रगति होती है, वहां कहीं ना कहीं शिक्षा जरूर जुड़ी होती है। लोकसभा में राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक को सभी दलों के सांसदों ने बेहतर पहल बताया। एस्टैब्लिशिंग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनकरेजिंग द स्पोर्ट्स एंड गेम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स टू मीट दैट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इंडिया इज इन डेस्परेट नीड ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर फ्यूलिंग सच एम्बिशंस। आई थिंक द बिल हैज ए होलसम अप्रोच बाय अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ Not only training sports persons, but also coaches. इसके साथ ही इस हफ्ते 3 अगस्त को लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक पेश हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने
सदन में विधेयक पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST अत्याचार निवारण कानून के कुछ सख्त प्रावधानों को हटा दिया था, जिसकी वजह से इससे जुड़े मामलों में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लग गई थी। इसके अलावा आरोपी को अंतरिम जमानत लेने की अनुमति भी मिल गई थी। संशोधन विधेयक में इन सख्त प्रावधानों को फिर से लागू करने की व्यवस्था की गई है। इससे आने से एक तो दलित समाज के लोगों के लिए उनके अधिकारों की रक्षा का लिए एक उचित प्रावधान हो सके। लोकसभा में पारित किए गए इन विधेयकों को कई दलों के सांसदों ने काफी अच्छा कदम बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस हफ्ते लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान कई अहम मुद्दे उठे। सांसदों ने जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए, जिनमें असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का मुद्दा, रोहिंग्या अवैध प्रवासियों का मुद्दा, किसानों को राहत देने का मुद्दा और इस तरह के तमाम जनहित के मुद्दे उठे। लोकसभा में इस हफ्ते शून्यकाल और प्रश्नकाल के दौरान कई अहम मुद्दे उठे। हफ्ते के पहले दिन 30 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मुद्दे पर बयान दिया। गृह मंत्री ने कहा कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का काम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है और इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। हायर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का डिस्पोजल होगा, पहले तो ये मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं। फिर उसके बाद भी कोई संतुष्ट नहीं होता है तो उसके लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाने का अवसर रहेगा अध्यक्ष महोदय, और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं तो न्याय मिलेगा ही। लोकसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान रोहिंग्या अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठा। शिवसेना सांसद अरविंद गणपत सावंत ने उन्हें सुविधाएं और दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने को लेकर सरकार से सवाल पूछा। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराने से साफ इनकार किया गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को बताया कि इस बारे में राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। राज्य सरकारों से हम लोगों ने ये अनुरोध किया है कि उनकी गणना कराने के बाद, आइडेंटिफिकेशन के बाद, कितनी संख्या में रहेंगे आपके स्टेट में रह रहे हैं, यह सब सारी जानकारी आप केंद्र सरकार को भेजें, और हमारे पास जब यह जानकारी आ जाएगी तो हम इस संबंध में विदेश मंत्रालय को अपनी जानकारी देंगे। इसके साथ ही मंगलवार 31 जुलाई को कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीते सालों में भुगतान में तेजी आई है। बीमा कंपनी भी अभी 2 महीने से ज्यादा लेट किया तो 12% उनको ब्याज सहित भुगतान करना पड़ेगा, और राज्य भी अभी लेट से अपना शेयर देता है तो उनको भी ब्याज देना पड़ेगा। वहीं बुधवार 1 अगस्त को प्रश्नकाल के दौरान वुहान अनौपचारिक शिखर सम्मेलन को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि डोकलाम का मुद्दा पिछले साल 28 अगस्त को सुलझ चुका है। डोकलाम में जो ट्राई जंक्शन पॉइंट का टाइम बात थी वो हमारे से संबंधित थी, वरना नॉर्दर्न डोकलाम की बाउंड्री डिस्प्यूट उनके साथ चल रहा है, वो भूटान और चीन के बारे में, उसके बारे में भारत कुछ नहीं कह सकता। जो हमारी फेस ऑफ साइट है उसके बारे में मैं बार बार कह रही हूँ कि फेस ऑफ साइट का मामला 28 अगस्त को पिछले साल 2017 को सुलझ चुका है। बुधवार 1 अगस्त को ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान डाटा प्रोटेक्शन पर सवाल का जवाब देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसे लेकर कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति की रिपोर्ट आ चुकी है, साथ ही एक प्रस्तावित ड्राफ्ट कानून भी है। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि केंद्र सरकार जल्द ही राज्यों को उनकी राय जानने के लिए लिखेगी। इसके अलावा इस हफ्ते लोकसभा में शून्यकाल के दौरान और भी कई अहम मुद्दे उठे। कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने केरल में समुद्री किनारों पर रहने वालों को राहत देने की बात कही। वहीं जम्मू से सांसद ने पुंछ और राजौरी में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो संसद इस हफ्ते में इतना ही। नमस्कार।